नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपके लंबे घने और काले बाल ज़्यादा दिनों तक रखने के उपाय। जी हाँ दोस्तों, आजकल कम समय में ही लोगों के बाल पकने लगते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, बाल रूखे रहते हैं, झड़ते हैं और गंजेपन का भी शिकायत होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ज़्यादा दिनों तक काले रहें, ज़्यादा दिनों तक आपके बाल लंबे से लंबे हों, रूखा डैंड्रफ ना हो बालों में, तो इसके लिए आप आज के इस वीडियो में बताए हुए नुस्खे को ज़रूर अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, सिंपल सा है, पहले भी मैंने कई बार बताया है आपको। नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, आंवला पाउडर और भृंगराज के पत्ते या भृंगराज के पाउडर, इन सभी को बराबर मात्रा में मिक्स करके लेप बना लें और अपने बालों पर जैसे मेहंदी लगाते हैं वैसे लगाकर लगभग 20 से 25 मिनट आधे घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से धो लें। ऐसा अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे, अर्थात लंबे समय तक आपके बाल घने और काले बने रहेंगे। बालों में शाइनिंग होगी, बाल टूटेंगे नहीं, बाल दो मुँहे नहीं होंगे, बाल रूखे नहीं रहेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अगर हमने एक बार किया, दो बार किया या चार बार किया तो आपके बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस विधि को आपको हमेशा के लिए यूज करना पड़ेगा, अर्थात महीना में कम से कम 3 से 4 बार आप इस उपाय को जरूर करें, और 1-2 महीना नहीं बल्कि 2-4 साल, 5 साल, 10 साल इस विधि को आपने कंटिन्यू करते रहना है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके बाल हमेशा के लिए घने, काले और चमकदार बने रहेंगे। दोस्तों, आपने अगर फिल्म स्टार ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा या किसी अन्य का इंटरव्यू सुना हो तो इन लोगों ने भी आपको कभी ना कभी अपने इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ टिप्स अपने बालों के देखरेख के लिए ज़रूर बताया होगा। हालांकि ये लोग महंगे डाई के शैम्पू के प्रचार में टीवी में ज़रूर दिखती हैं, लेकिन ये लोग खुद भी अपने बालों में ऐसे ही घरेलू नुस्खे को अपनाकर बालों को शाइनिंग देती है, बालों को संभाल के रखती है। इसलिए आप भी इन घरेलू नुस्खा का इस्तेमाल करके अपने बालों को ज़्यादा दिनों तक हेल्दी, काले, घने बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का ये नुस्खा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें ताकि जब कभी भी कोई नया वीडियो मैं डालूं तो उसे देखकर आप इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।